Hello, dear students. Myself, Shivangi Singh. I am from Babu Narsidas Institute of Technology and Management and I am from Civil Engineering Department. This is your unit 3 and lecture 7. In this lecture, we will deal with the, the topic the momentum equation and its application. In this lecture, we will deal with the topic the momentum equation. फोर्स एक्जेस्टेड बाई अ फ्लोइंग फ्लूड ऑन अ बेंड पाइप एंड देयर नोमरिकल्स द मोमेंटम इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन जो होती है वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पर वर्क करती है ठीक है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ऑन द मोमेंटम प्रिंसिपल विच स्टेट दैट फोर्स ऑन अ मास Is equal to the change in momentum if flow per unit time in that direction. The force acting on a fluid mass m is given by is given by the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion f is equal to Ma, where F is what? Net force or resultant force. Net force कह सकते हैं हम इसे या फिर रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं ठीक है एफ इज इक्वल टू एम एम क्या होता है मास एंड ए क्या होता है एक्सलरेशन तो ये जो एफ होता है नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ठीक है वो यहां पे क्या है कि हमारे जो फ्लूड है उस फ्लूड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है मास एंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को आपको पता है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी ठीक है dt, ये जो ए की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी ठीक है अब यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ इज इक्व टू डी एम वी अपॉन डी टी और आप लोगों को पता है कि एम वी ही क्या होता है मोमेंटम ठीक है एम वी क्या होता है मोमेंटम वेयर एम इज कॉन्स्टेंट एंड कैन बी टेक इन साइड द डिफरेंशियल ठीक है तो हमने जब एम अगर कॉन्स्टेंट है तो हम लोग इसको डिफरेंशियल के अंदर भी ले सकते हैं तो क्या कहते हैं एफ इजक्स टू डी एम बी बाई डी टी हो जाएगा ठीक है इक्वेशन नंबर वन इज नोन एज मोमेंटम प्रिंसिपल और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हम इसे कह सकते हैं ठीक है इस इक्वेशन को जहां हम लोगों ने इस तरीके से लिखा जैसे कि यहां पे ये इक्वेशन है आप लोग इसे लिख देते हैं एफ डी टी इज इक्व टू डी एम ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इम्पल्स हो जाएगा मोमेंटम का ठीक है इसको हम क्या कहते हैं विच इज़ नोन एज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड इट इज स्टेट्स दैट द इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ फ्लूड ऑफ मास एम इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डी टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डी एम वी इन दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है वो हो गई हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन और नेक्स्ट हमने देखा था इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन यहाँ पे फोर्स बाय अ फ्लोइंग फोर्स एग्जेड बाय अ फ्लोइंग फ्लूड ऑन अ बेंड पाइप और पाइप बेंड कह सकते हैं आप लोग के एग्जाम में जनरली जो बेंड पाइप के हैं वो नुमेरिकल बहुत सारा पूछा जाता है और आप लोगों ने अपनी जनरल लाइफ में भी देखा होगा कि कभी कभी हम लोग दो पाइप को अटैच कर देते हैं बैंड में एक मान लीजिए हमारी कोई हॉर्जोंटल पाइप जा रही है उससे हमने किसी इंक्लाइन पाइप को क्या कर दिया है अटैच कर दिया है ठीक है तो वो एक बैंड पाइप के फॉर्म में बन जाती है हमारे पास पाइप ठीक है जैसे कि ये मान लीजिए कोई भी हॉर्जोंटल पाइप है इससे हमने एक पाइप को अटैच कर दिया है तो ये किस फॉर्म में आ गई है बेंट पाइप के फॉर्म में आ गई है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे नोमरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है अब मान लीजिए कोई आपके पास क्या कहते हैं वर्टिकल पाइप है उससे हम दूसरी वर्टिकल पाइप को ऐड कर रहे हैं तो वो भी बेंट पाइप के ही फॉर्म में जाएगी ठीक है यहाँ पे इस डायग्राम को पहले समझते हैं पहले कंसीडर अ फ्लो थ्रू अ पाइप बैंड एस फिगर द फ्लो एंटर्स द बेंड विद अ स्पीड वी वन एंड लीव्स इट विद द वेलोसिटी वी टू यानी कि जो हमने सेक्शन वन लिया है वो सेक्शन वन जब पाइप बेंड नहीं हो रही थी उस साइड पे लिया है ठीक है जहाँ पे हॉर्जोंटल पाइप थी वहाँ पे हमने सेक्शन वन लिया है ठीक है सेक्शन टू हमने किस साइड पे लिया है जहाँ पे पाइप बेंड हो रही है ठीक है तो हम ये चेक करते हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं ठीक है थीके? वो कैसे एक्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? यहाँ पे सेक्शन वन पे हमारी क्या है वेलोसिटी वी वन है ठीक है प्रेशर ए वन है एरिया ए एरिया ए वन है ठीक है अब यहाँ पे तो हमारे इन सब नोटेशंस का मतलब आप समझ गए हैं वी वन प्रेशर एट सेक्शन सॉरी वेलोसिटी एट सेक्शन वन पी वन प्रेशर एट सेक्शन वन ए वन एरिया ऑफ सेक्शन वन ठीक है ये हमारा सेक्शन टू है जो कि हमने बाइप जहां पे बेंड हो रही थी उसके बाद लिया है ठीक है तो यहाँ पे प्रेशर पी टू हो जाएगा एरिया ए टू हो जाएगा एंड वेलोसिटी वी टू हो जाएगी ठीक है लेकिन जो अब यहाँ पे प्रेशर फोर्स लग रहा है ठीक है वो क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्लूड के ऊपर क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी, भी कोई भी मान लीजिए एक यहाँ से फ्लूड है वो वी वन से या फिर इस सेक्शन पे अगर हम देख रहे हैं तो वी टू से पास हो रहा है ठीक है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है यानी कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से ये कुछ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा ठीक है अब जब ये पाइप से बाहर जा रहा है या फिर सेक्शन टू से लिक्विड हमारा पास कर रहे हैं तो वो लिक्विड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कुछ ठीक है अब उस फोर्स की वजह से जो इम कुछ इंपल्स क्रिएट होता है ठीक है हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है दो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन ठीक है लेकिन जो फ्लूड के ऊपर फोर्स लग रहा है ठीक है वो कैसे लग रहा है एफ एक्स एंड एफ वाई ठीक है फ्लूड के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है अब यहाँ पे अगर थीटा डिग्री पे पाइप हमारी बेंड हुई है ठीक है तो यहाँ से हम कॉम्पोनेंट्स ले लेते हैं कितने आएंगे हॉर्जोंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना आएगा वी टू थीटा और जहाँ हम जो हमारा फोर्स है ठीक है पी वन ए वन मतलब प्रेशर कितना है पी वन उसको जब हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा पी यहाँ पे पी टू ए टू सॉरी ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम इसको इस का हॉर्जोंटल कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पी टू ए टू कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा पी टू ए टू साइन थीटा ठीक है इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्व टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ठीक है नेट फोर्स कितना है जितने भी फोर्सेस अब आप इस डायग्राम में देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं ठीक है तो पी वन ए वन तो एक नॉर्मली हॉर्जोंटल फोर्स लग रहा है ठीक है सेक्शन वन पे जब हम देखेंगे तो क्या लग रहा है पी वन ए वन ठीक है हमने पी वन ए वन को एज इट इज लिख लिया अब एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपको पता है कि जो फ्लूट के ऊपर फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है फ्लूड के ऊपर कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा माइनस एफ एक्स ठीक है सेक्शन टू पे जब हम जाएंगे ठीक है जब सेक्शन टू पे हमने देखा तो क्या हुआ हमारे पास हम इसको इसका हॉर्जोंटल कंपोनेंट लेने की कोशिश करेंगे पी टू ए टू का हम हॉर्जोंटल कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पी टू ए टू स थीटा ठीक है अब ये नेट फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन में किसके बराबर होगा मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन तो मोमेंटम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना होगा मास पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी ठीक है ये कितना हो जाएगा रो यू इन ब्रैकेट चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ठीक है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी थी जब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी थी तो क्या होगा एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई वी टू कोस ठीटा ठीक है अब हम भैया वी टू है सेक्शन टू पे में वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ठीक है लेकिन ये एक, एक, एक एंगल पे लग रही है थीटा एंगल पे तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना आ जाएगा वी टू कॉस थीटा, ठीक है माइनस वी वन ठीक है अब एफ एक्स की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सारे फोर्स जितने भी चीजें हैं उन सबको हम एक साइड ले लेंगे ठीक है एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा रो क्यू वी वन माइनस वी टू कॉस थीटा प्लस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू कॉस ठीटा ठीक है रो क्यू ठीक है रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है वन थाउजेंड क्यू क्या है डिस्चार्ज कितना है वी वन क्या है सेक्शन वन पे वेलोसिटी V2 क्या है सेक्शन टू पे वेलोसिटी लेकिन ये किसी थीटा एंगल पे लग रहा है तो हम इसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा V2 cos थीटा प्लस फोर्स एट सेक्शन वन माइनस फोर्स एट सेक्शन टू जब हम इसकी प्रेशर फोर्स एट सेक्शन टू जब हमने इसका हॉर्जोंटल कंपोनेंट लिया तो क्या आया पी टू ए टू अब ये सिर्फ हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करी है सिमिलरली हम क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है सिमिलरली द मोमेंटम इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन ठीक है जहाँ मोमेंटम इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में निकालेंगे ठीक है तो आपको पता है कि जो सेक्शन वन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है ठीक है इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है लेकिन सेक्शन टू पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है ठीक है क्योंकि सेक्शन टू की तरफ हमारी पाइप बेंड है सेक्शन वन की तरफ हॉरिजॉन्टल पाइप है ठीक है जहाँ हमने इसका कंपोनेंट निकाला तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेक्शन वन पे जो हमारा प्रेशर फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकलेगा जीरो माइनस सेक्शन टू पे जब हम प्रेशर फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो पी टू ए टू है सेक्शन ये थीटा एंगल पे लग रहा हैं। है ठीक है और से सीटा एंगल पे है तो अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में पी टू ए टू साइन थीटा ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो माइनस पी टू ए टू साइन और जो फोर्स है फ्लूट पे क्योंकि वेलोसिटी हमारी जिस साइड है ठीक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लूट पे एक इम्पल फोर्स लग रहा है ठीक है तो क्या होगा जो फोर्स होगा एफ वाई वो हम इसको किस में लेंगे माइनस में ठीक है इज इक्वल्स टू क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन तो सेम ऐसे ही मास पर मास सेकेंड इन टू चेंज इन वेलोसिटी ठीक है मास आपको पता है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ठीक है आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं मास पर सेकेंड इन्होंने कहा है मास पर सेकेंड आपको पता है मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड ठीक है तो डेंसिटी और ये वॉल्यूम है पर सेकेंड तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है डिस्चार्ज तो हम इसको रो क्यू भी लिख सकते हैं ठीक है तो हमने इसको क्या किया डायरेक्टली रो क्यू ही लिख लिया रो क्यू अब मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी चेंज इन विलॉसिटी इन वाई डायरेक्शन ठीक है जो जहाँ हम वाई डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या हमारे पास आता है वी टू साइन थीटा लेकिन आपको पता है सेक्शन वन पे विलॉसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं हमारे पास ठीक है क्या होता है वही फाइनल विलासिटी माइनस इनिशियल विलॉसिटी चेंज इन विलासिटी क्या होती है फाइनल विलॉसिटी माइनस इनिशियल विलॉसिटी तो हमारे पास फाइनल विलासिटी का कंपोनेंट तो है वाई डायरेक्शन में लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है हमारे पास वाई डायरेक्शन में कैसे क्योंकि सेक्शन वन पे हमारी पाइप क्या है हॉरिजॉन्टल है इसका कोई और कंपोनेंट नहीं है ठीक है जब हमने इसका फॉर्मूला निकाला तो हमारे पास क्या है जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या आएगा एफ वाई इज टू रो मल्टीप्लाइड बाई क्यू इन ब्रैकेट माइनस वी टू साइन थीटा मीन्स को एज इट इज अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जब जा हम एक साइड लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस वी टू साइन थीटा माइनस पी टू ए टू साइन थीटा ठीक है एग्जाम में आप लोगों को इन वैल्यूज में ही जो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है इसमें ही सारी वैल्यूज को पुट कर देना है ठीक है अगर आपके पास वाटर दे रखा है तो उसकी डेंसिटी नहीं दे रखी होगी क्योंकि वाटर की डेंसिटी आप सब लोगों को पता है वन थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब होती है ठीक है डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखा होगा आपको वी वन सेक्शन पर और वी टू सेक्शन पर वेलोसिटी दे रखा होगा लेकिन जो वी टू सेक्शन की वेलोसिटी होगी उसको हमेशा आप लोगों को मतलब कि जो बेंट पाइप के बाद का जो सेक्शन होगा उस पर आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का और प्रेशर फोर्स का निकालना पड़ेगा ठीक है लेकिन जो बेंड पाइप के बिफोर सेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन है उस पर आपको वेलोसिटी और प्रेशर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा क्योंकि पाइप आपकी हॉरिजॉन्टल है ठीक है एफ वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई रो क्यू माइनस वी टू थीटा माइनस पी टू ए टू साइंटीटा रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा ठीक है क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है ठीक तो रिजल्टेंट फोर्स किससे कि रिप्रेजेंट करेंगे हम रिजल्टेंट फोर्स को एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर यह आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ठीक है एफ एक्स की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे फिर एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है रिजल्टेंट फोर्स के साथ साथ आप लोगों को एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड द एंगल मेड बाई रिजल्टेंट फोर्स विद हॉर्जोंटल डायरेक्शन ठीक है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है जो आपका एफ आर है रिजल्टेंट फोर्स वो हॉर्जोंटल से कितना एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू भी आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है टेन थीटा इज इक्व टू एफ वाई बाई एफ एक्स ठीक है तो ये एंगल की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई है ठीक है नेक्स्ट ये जो डोमरिकल होता है बेंड पाइप का थोड़ा सा टिपिकल होता है अगर आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है क्योंकि जब आप लोग फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हो तो कुछ जो टर्म्स हैं वो मिसिंग रह जाते हैं या साइन आप लोग इंटरचेंज कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक नुमेरिकल है हमारे पास अ 45 डिग्री रिड्यूसिंग बेंड इज कनेक्टेड इन अ पाइपलाइन। द डायमिटर्स एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द बेंड बींग सिक्स हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड रिस्पेक्टिवली ठीक है फाइंड द फोर्स एक्जाइटेड बाई वॉटर ऑन द ब द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द इनलेट इज एट पॉइंट एट टू नाइन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज सिक्स हंड्रेड लीटर्स पर सेकेंड सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज आप लोगों को दे रखी हैं उन वैल्यूज को आप लोगों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पहले तो आप लोग जितनी भी चीज़ें गिवन हैं उन सबको आप लोग फाइंड आउट या फिर उन सबको वैल्यूज़ को लिख लीजिए यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ बेंड दे रखा है थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री दे रखी है यहाँ पे हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ इनलेट कितना d1 वन इज इक्व टू सिक्स हंड्रेड एम हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास डायमीटर कितना आ जाएगा 0.6 मीटर एरिया कितना आ जाएगा पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर ठीक है 0.2827 मीटर स्क्वायर हमारा सेक्शन वन का जो एरिया है वो आ जाएगा ठीक है डायमीटर ऑफ आउटलेट D2 की वैल्यू कितनी है 300 हंड्रेड mm, जहां हम D2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे मीटर में कितनी आएगी 0.30 मीटर एरिया ऑफ सेक्शन टू कितना आ जाएगा पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर ठीक है ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर जीरो पॉइंट थ्री का स्क्वायर तो ए टू की वैल्यू कितनी आ गई जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सिक्स एट मीटर स्क्वायर प्रेशर एट इनलेट कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे नूमेरिकल में आप लोगों को प्रेशर जो दे रखा है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है ठीक है आप लोगों को इसको चेंज करके किस में लाना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ठीक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा टेन टू दावर फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा आपकी प्रेशर की वैल्यू इनलेट पे P1 वन इजक्वल टू एट पॉइंट एट टू नाइन टेन टू द पावर फोर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिस्चार्ज की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है लीटर्स पर सेकेंड में इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर के ऊपर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी डिस्चार्ज की Q इज इक्व टू हमें दे रखा है 600 हंड्रेड लीटर पर सेकेंड इसको डिवाइड करेंगे 1000 से हम लोग मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करने के लिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है नेक्स्ट अब जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्शन वन एंड एरिया ऑफ सेक्शन टू दे रखा है ठीक है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू v1 और v2 की वैल्यू मतलब सेक्शन वन पे कितनी वेलोसिटी है और सेक्शन टू पे क्या वेलोसिटी है क्योंकि आपको याद है कि हमें फॉर्मूले में v1 और v2 की ज़रूरत होगी v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q अपॉन ए वन ठीक है क्योंकि डिस्चार्ज सेम होगा ठीक है तो और v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q अपॉन ए टू यहाँ पर आप लोग वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो आपकी v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू पॉइंट वन डबल टू मीटर पर सेकेंड ठीक है v2 आप लोग वैल्यू पुट करेंगे 0.60 पॉइंट सिक्स अपॉन जीरो तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 8.488 मीटर पर सेकेंड आप क्या करेंगे हम लोग सेक्शन वन और सेक्शन टू पे बर्नॉलीज इक्वेशन को लगाएंगे बर्नॉलीज इक्वेशन आप लोगों को याद होगी क्या लिखते हैं हम लोग पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वस टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉइन्ट टू जी प्लस जेड टू यहाँ पर हमने क्या किया जेड वन इक्वस टू जेड टू किया अब हमारी वैल्यू क्या आ गई पी वन अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉइन्ट टू जी इज इक्वस टू कितना हुआ पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉइन्ट टू जी ठीक है आप लोगों को पता है कि हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी है सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे ठीक है वेलोसिटी uh, की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुकी है सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे यहाँ से ठीक है अब uh, इस इक्वेशन से आप लोगों को पता है कि हमें पी टू की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें अभी फ़िलहाल चाहिए पी टू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जहाँ हमने इसको निकाला पी टू इज क्वेस्ट टू हमारे पास आ जाएगा 5.55 into 1000 into 9.81 newton per meter square न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहाँ हम इसको यहाँ पे जो आपकी मेन इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन में एफ एक्स और एफ वाई में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है एफ़ एक्स में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा रोक्यू वी वन माइनस पी टू कॉस्टिटा प्लस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू ठीक है यहाँ से हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई वन डबल नाइन डबल वन पॉइंट फोर न्यूटन ये हमारी आई है अभी सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे एफ वाई की वैल्यू ठीक है एफ वाई की आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले पे रख के ठीक है आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डेंसिटी नहीं दे रखी है वाटर की नोमरिकल में तो आप लोगों को डेंसिटी डायरेक्टली पुट करनी पड़ेगी वन थाउजेंड डिस्चार्ज ज़ीरो पॉइंट सिक्स विलोस्टी एट सेक्शन टू पी टू ए टू साइन थीटा माइनस एफ वाई पे ठीक है यहाँ पे ओ सॉरी ये एफ आई यहाँ पे नहीं होगा माइनस पी टू ए टू साइन थीटा तो आप लोग ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे आपकी एफ वाई पे वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस सिक्स थ्री डबल टू पॉइंट टू न्यूटन ठीक है नेगेटिव साइन मीन्स एफ वाई इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है अब आप जो रिजल्टेंट फोर्स हैं वो कैसे निकाल लेंगे अंडरउट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर से ठीक है एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आप लोग इस फॉर्मुले में पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ आर की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है टू जीरो एट नाइन जीरो पॉइंट नाइन न्यूटन ठीक है ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ रही है लेकिन ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ठीक है ये हॉर्जोंटल के साथ किस एंगल पर लग रहा है ठीक है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कर लेते हैं द एंगल मेड बाई रिजल्टेंट फोर्स विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय टेन थीटाजिक्वस्ट टू एफ वाई बाई एफ एक्स ठीक है अब आपने एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यूज पुट करी ठीक है यहाँ से हमें मिला ठीटा इज्कव टू टेन इन वर्स जीरो पॉइंट थ्री वन सेवन फाइव ठीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई सेवनटीन डिग्री थर्टी सिक्स मिनट ठीक है तो ये एक नूमेरिकल है मोमेंटम इक्वेशन पे ऐसे आपसे डिफरेंट डिफरेंट नूमेरिकल ठीक है पूछ सकते हैं थीटा के एंगल कुछ भी दे सकता है हॉरिजोंटल के साथ थीटा को कित कितने भी एंगल पे बेंड कर सकता है ठीक है फोर्टी फाइव डिग्री पे सिक्सटी डिग्री पे थर्टी डिग्री पे ठीक है आप लोगों को जो भी नूमैरिकल की वैल्यू मतलब नूमेरिकल में जो जो भी वैल्यू दे रखी है ठीक है उसको डायरेक्टली फॉर्मला में आप लोगों को पुट कर देना है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है मोमेंटम इक्वेशन पढ़ लिया है और उसका एप्लीकेशन पढ़ लिया है बेंड पाइप में ठीक है आप लोगों से एग्ज़ाम में कभी कभी मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन भी पूछ लेता है ठीक है तो आप लोग उसको भी बस देख लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है नेक्स्ट आप लोगों से हम लोग डील करेंगे अब मेजर एंड माइनर लॉसेस इन पाइप्स थैंक यू सो मच